Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for notifications. Hi guys, कैसे हैं आप लोग? Continuing with our leverage analysis topic, जो revision series हम लोग ने start की है. Listen now. So definition पे मैं ज़्यादा explanation पे फोकस नहीं करूँगा because it will require numericals. तो हम लोग वैसे भी एक numerical ऐसा देखने वाले हैं जिससे ये entire topic पूरा की पूरा cover हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा रिस्क पे फोकस करेंगे बिकॉज लेवरेज और रिस्क का स्ट्रेट अवे रिलेशनशिप है. रिस्क हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क. बिजनेस रिस्क ये वो रिस्क है जो कि हर एक बिजनेस को एप्लीकेबल है. इट मे बी ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस, इट मे बी ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, और ये रिस्क हर एक बिजनेस को एप्लीकेबल है ही है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल रिस्क. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल रिस्क. एंड द मेजर टू कैलकुलेट बिजनेस रिस्क इज बाय ऑपरेटिंग लिवरेज. इज बाय ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑलराइट. वेयर एज फाइनेंशियल रिस्क इज अ अवॉइडेबल रिस्क. आप इसको मिटिगेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेबल रिस्क एंड इट इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लिवरेज. तो क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, यही सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में. और इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं तुमको बताऊंगा फॉर्मूलाज के थ्रू. फॉर्मूलाज बहुत ईजी है, सबको आते हैं, सबको लर्न भी बहुत ईजिली हो जाते हैं, एप्लीकेशन में भी कोई इश्यू नहीं है. लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक्स है वो हम लोग पूरा एक ही प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का जो प्रोडक्ट है दैट इज कंबाइंड लिवरेज. दैट इज कंबाइंड लिवरेज विच इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल रिस्क एसोसिएटेड इन द बिजनेस. विच इज यूज टू कैलकुलेट टोटल रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस. टोटल रिस्क माने आपका बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. ऑलराइट. ओके, नाउ लिसन. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट लेवरेज. अब ये जो भी कुछ मैंने बताया ये सारी चीज आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए आई पुट अप, आई टेक सम डेटा एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट नाउ. देखो, मान लो एक कंपनी है जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले साल के अंदर में दे विल सेल 1 लाख यूनिट्स. ठीक है. ओके, तो 1 लाख यूनिट्स का मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं. Right from sales to EPS. All right. Now listen. ये हुए यूनिट्स. अब सेल्स, लेट अस से द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10. तो देयरफॉर टोटल सेल्स हो जाएंगे 10 लाख रुपीज के. और वेरिएबल कॉस्ट इज लेट अस से ₹4 पर यूनिट. तो 1 लाख इंटू 4 ये हो जाएंगे 4 लाख रुपीज. Therefore, contribution will come out to 6 lakh rupees. All right. Minus fixed cost is let us say 3 lakh rupees. तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EBIT. ये हम लोग ने रेशियो एनालिसिस के पहले इसमें देख चुके थे. दैट इज 3 लाख रुपीज. नाउ लेट अस से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख रुपीज का एक डिबेंचर का लोन है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट होएगा. तो देयरफॉर इंटरेस्ट कम्स आउट टू 1 लाख रुपीज. तो ये EBT आ गया 2 लाख रुपीज. माइनस टैक्सेस लेट अस से एट द रेट ऑफ 50%. तो 2 लाख का 50% कम्स आउट टू 1 लाख. देयरफॉर पैट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 1 लाख रुपीज. Let us say there is no preference share capital in your capital structure. Therefore, preference share capital भी नहीं तो preference dividend भी नहीं आएगा. तो minus preference dividend 0. तो ultimately 1 lakh rupees will be net profit available to equity shareholders. NP available to equity shareholders divided by number of equity shares. Let us say 10,000 equity shares से at the rate of ₹100. दैट इज 10 लाख रुपए की टोटल इक्विटी कैपिटल है. तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10,000. तो EPS आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज. ठीक है. नाउ लिसन, ये एक मैंने स्टेटमेंट बना कर दिया कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं रिस्क अटैच्ड है कि अगर मैंने जो सोचा है कि 1 लाख यूनिट्स का सेल होगा तो ये पूरा फॉलो होगा, 10 लाख के टोटल सेल्स होंगे, कंट्रीब्यूशन 6 लाख का आएगा, ईबीआईटी 3 लाख का आएगा एंड सो ऑन, 10 रुपए का ईपीएस आएगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, तो ये जो हम लोग सोच रहे ना नहीं हुआ तो या ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रिस्क अटैच्ड कि 1 लाख यूनिट की जगह पे मान लो 90,000 यूनिट्स ही सेल हुए या 1 लाख यूनिट्स की जगह पे मान लो 1,10,000 यूनिट सेल हुए तो क्या होगा। So this is the risk attached with a particular business और उसी रिस्क को इन लोग ने क्वांटिफाई किया है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में, बराबर है पॉइंट। नाउ लिसन, हम लोग क्या करते हैं आपके बारे में, यहां पर we'll try to calculate, let us say first of all operating leverage। तो operating leverage as you all know you have studied is equals to contribution divided by EBIT, that is operating profit। तो यहां पर मेरे को जरा बताना contribution कितना है, ये 6 लाख रुपीज का contribution है, ऑलराइट right? और EBIT कितना है 3 लाख रुपीज। तो contribution है 6 लाख, EBIT है 3 लाख, तो therefore operating leverage comes out to 2। अब ये 2 क्या इंडिकेट करता है वही तो हम लोग को लॉजिकली समझना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ना थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूं, फिर हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ऑलराइट। अब ईबीआईटी हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया था, ऊपर ही देखा था 3 लाख रुपीज का। अब जरा देखो ईबीटी कितना है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया ये 1 लाख रुपीज का, तो अल्टीमेटली ईबीटी कितना है 2 लाख रुपीज। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कम्स आउट टू 1.5। तो फाइनेंशियल लिवरेज हुआ 1.5 टाइम्स, ऑपरेटिंग लिवरेज हुआ 2 टाइम्स। अब इसको भी क्या इसका पीछे का मीनिंग है वो हम लोग को समझना है, तो एक बार हम लोग जस्ट कंप्यूट कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है। एंड लास्टली इज कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू नथिंग बट ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, OL इंटू FL। OL का मीनिंग दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और FL का मीनिंग है EBIT अपॉन EBT, यस। तो ये EBIT कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या रहेगा ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख का और EBT 2 लाख रुपीज का। तो कंबाइंड लिवरेज हो गया 3 टाइम्स, कंफर्म। या आप ऐसे भी देख सकते थे 2 टाइम्स इंटू 1.5 टाइम्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ना। अब ये जो हम लोग ने अलग अलग लेवरेजेस निकाल के रखे हैं ना, इनके इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे, ऑलराइट। तो नाउ सी विल चेक आउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ, ओके। सो ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ 2 इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी 1% change in sales there is a 2% change in EBIT। ये जो साइन है वो चेंज किए, करेक्ट, ओके। सो फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर इज अ 2% चेंज इन EBIT। ये 2 टाइम्स का मीनिंग ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग और न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे, अभी जस्ट इसका इंटरप्रिटेशन समझ लो, ऑलराइट, ओके। एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का एक और तरीका है विच इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग है ना न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रूव करेंगे, एक बार सिर्फ लिख के रखता हूं मैं, करेक्ट, ओके। नाउ लिसन, फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 1.5 टाइम्स indicates that for every 1% change in EBIT there will be 1.5% change in EPS। For every 1% change in EBIT there will be 1.5% change in EPS, okay। तो therefore financial leverage is equals to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। Don't worry, I'll explain this. Okay. And lastly, combined leverage, which is 3. So combined leverage of 3 times indicates that for every 1% change in sales, there is 3% change in EPS. अब चेंज कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड चेंज भी हो सकता है, डाउनवर्ड चेंज भी हो सकता है, करेक्ट? तो ये जो भी हम लोग ने इंटरप्रिटेशन निकाले ना, वो सही है कि नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हर बार मैंने क्या बोला, फॉर एवरी 1% चेंज, और उसका फिर आपको मीनिंग बताया किसका किसका है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी लेटेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन ने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इससे अच्छा हुआ। तो जैसे मान लो मैं सोचा था कि 1 लाख यूनिट सेल होंगे, लेकिन मान लो 1,10,000 यूनिट सेल हुए, यानी कितने परसेंट से चेंज हुआ, 10% से। तो इंपैक्ट किन किन चीजों पे कैसे कैसे आएगा, EBIT पे कितना इंपैक्ट आएगा, आपके EPS पे कितना इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीज हम लोग एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं, और फिर जो हम लोग ने कंक्लूजन ड्रॉ किए थे उसको क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। ऑलराइट, तो नाउ लिसन, अगर मान लो 1 लाख यूनिट से यहाँ पे 1,10,000 यूनिट सेल्स हुए, तो टोटल सेल्स कितना होगा, ऑब्वियसली 11 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख पे 10 रुपए था, तो 1,10,000 पे भी 10 रुपए, ऑब्वियसली 11 लाख। फिर 1,10,000 इंटू 4 रुपए, ये होगा आपका 4,40,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आएगा 6,60,000 रुपए, करेक्ट? ओके, फिक्स कॉस्ट तो 3 लाख का 3 लाख गिरेगा, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं रहते, वी नो दैट। EBIT आएगा 3,60,000, इंटरेस्ट तो वैसा ही रहेगा, दैट इज 1 लाख रुपीज। EBT होगा 2,60,000 रुपए का, टैक्सेस विल बी 50%, तो 2,60,000 का 50% कम्स आउट टू 1,30,000, एंड पैट विल बी अगेन 1,30,000, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज 0, तो देयरफॉर नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी 1,30,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो वैसे ही वैसे रहेंगे, दैट इज 10,000, तो आपका EPS कितना आएगा, 13 रुपीज। समझ रहे पॉइंट है? अब ये जो भी हम लोग ने फॉर्मुलेज निकाले ना, उसका इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं देखते। जैसे हम लोग ने क्या बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज में जो 2 आया था उसका मीनिंग ये था कि फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, अगर सेल्स में 1% का भी चेंज हुआ ना, तो EBIT में 2% का चेंज होगा। ये ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ 2 टाइम्स का मीनिंग है। क्या बोला, वापस बोलता हूं, अगर सेल्स में 1% का भी चेंज हुआ तो EBIT में कितना परसेंट चेंज होगा, 2% का। अब सेल्स में आपने कितना परसेंट चेंज किया, 10%, ये देखो यहां पर प्लस 10%, 1 लाख यूनिट्स थे और यहां पर कितने का बना, 1,10,000 का, तो देयर इज अ 10% चेंज इन सेल्स। 1% चेंज के लिए 2% चेंज रहेगा EBIT में, तो 10% चेंज के लिए कितना रहेगा, ऑब्वियसली 20% EBIT में। जस्ट चेक करते हैं वो सही में हुआ कि नहीं हुआ। तो नाउ लिसन, पहले EBIT कितना था, 3 लाख रुपए का, और अब EBIT कितना है जरा देखो, 3,60,000 रुपए का। तो अभी जस्ट हम लोग चेक करते हैं, 3,60,000 माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 कम्स आउट टू ऑब्वियसली 60,000 बाय 3 लाख, आप करके देखो 20%, एग्जैक्टली बराबर बैठा हमारा। 1% चेंज इन सेल्स के लिए 2% चेंज इन EBIT, 10% चेंज इन सेल्स के लिए ऑब्वियसली 20% चेंज इन EBIT। आया समझ में इसका मीनिंग? ओके, नाउ हम लोग अब फाइनेंशियल लिवरेज पे बात करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज में जरा देखो क्या बोला था हम लोग ने, कि फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 1.5 टाइम्स इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी 1% चेंज इन EBIT, EBIT में अगर 1% भी चेंज हुआ जो आपने सोचा था उससे, तो EPS पे 1.5% चेंज होगा, EPS पे 1.5% चेंज होगा। यहां पर आपको पता है EBIT में कितना चेंज हुआ, इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूं तो ऑब्वियसली 20% का चेंज हुआ। सी, 1% चेंज के लिए 1.5% चेंज इन EPS, 1% चेंज इन EBIT, देयर विल बी 1.5% चेंज इन EPS। यहां पर कितना परसेंट चेंज हुआ EBIT में, 20%, तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आना चाहिए 30%। तो 30% चेंज हुआ कि नहीं EPS में जरा चेक कर लो, 30% चेंज हुआ कि नहीं EPS में जरा चेक कर लो। यस, दिख ही रहा है प्राइमरी बेसी, 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 ऑब्वियसली कम्स आउट टू 30%। तो बराबर बैठा कि नहीं बैठा है पॉइंट? फॉर एवरी 1% चेंज इन EBIT देयर विल बी 1.5% चेंज इन EPS। तो यहां पर EBIT में 20% का चेंज हुआ, ये तो हम लोग ने चेक किया, ये 3 लाख से 3,60,000 हुआ। तो EPS में डेढ़ा चेंज होगा, 1.5 टाइम चेंज होगा। तो 20 का 1.5 कितना, 30%। तो EPS में देखो 30% का चेंज हुआ है। ये रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये अगर हमारे रिस्क में जो थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो गया तो रिटर्न में क्या क्या इंपैक्ट आने वाले हैं, ये रिटर्न ही तो है, समझ रहे पॉइंट है। तो 20% चेंज हुआ EBIT में, 30% चेंज हुआ EPS के अंदर। ऑलराइट, तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज का समझाया था 1.5 का। नाउ लास्ट कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज हमारा 3 टाइम्स आंसर आया था और उसके लिए भी मैंने समझाया था कि फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, अगर सेल्स में 1% चेंज होता है तो 3% चेंज होगा EPS में। 1% चेंज इन सेल्स, 3% चेंज इन EPS। तो यहां पर आपको पता है आपके सेल्स में 10% का चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? 10% का। तो EPS में कितना होना चाहिए? 30%। 1% चेंज इन सेल्स, 3% चेंज इन EPS। तो 10% चेंज इन सेल्स, देयर विल बी 30% चेंज इन EPS। वो हुआ ही है। ये 10% चेंज इन सेल्स और यहां पर देखो 30% चेंज इन EPS। तो ये लॉजिक है, ये उन फॉर्मूले के पीछे का मीनिंग है। समझ रहे पॉइंट ये? तो बस इस लेवरेजेस टॉपिक में इतना ही सब कुछ है, बाकी तो ज्यादा है नहीं। सिर्फ इसके पीछे के मीनिंग्स आई डोंट नो कि आपको ये इतने इन डिटेल पता होंगे, तो मैंने इसको उस तरीके से बताया। अब लास्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बोला मैंने, परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EBIT यहां पर हम लोग ने निकाला। कितना परसेंटेज चेंज इन EBIT है? 20%। ये देखो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, 10% लिया ही था हम लोग ने, तो कितना आया? 2। ये ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स। ये देखो, तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये तो आप बेसिक फॉर्मूला है ही, लेकिन ये भी पता रहना चाहिए परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, नाउ यहां पर कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज चेंज इन EPS अभी देखा हम लोग ने 30% का चेंज है EPS में, और EBIT में कितना चेंज है? 20%। ये तो 30% डिवाइड बाय 20% कम्स आउट टू 1.5। जरा चेक कर लो, ये 1.5 यहां पर। तो फाइनेंशियल लिवरेज का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दैट इज EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। और ये भी पता रहना चाहिए परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। एंड लास्टली कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन EPS अभी हम लोग ने देखा 30% का चेंज हुआ है, और सेल्स में कितना चेंज है? 10 = 3। ये देखो वही चीज, समझ रहे पॉइंट है। तो ये हम लोग लेवरेजेस में इतने ही फॉर्मूलेज है और सारे हम लोग ने लॉजिकली देख लिए। पक्का? ओके, जस्ट वापस एक बार रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फटाक से लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज जल्दी से बता दो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और इसका हम लोग ने क्या देखा था? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT इज इक्वल्स टू, यहां पर और क्या देखा था? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ऑलराइट, ओके। एंड लास्टली कंबाइंड लिवरेज विच इज इक्वल्स टू OL इंटू FL। ये ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, और यहां पर अगेन क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑलराइट, हाँ, तो आपके सिलेबस में ये 6 फॉर्मूले लिवरेज में, इतना कर लिया तो आपका लिवरेज टॉपिक पूरा हो जाता है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके सिलेबस में कहीं है नहीं। अगर गलती से इंस्टीट्यूट ने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज उस टाइम पे जब प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा, ये 99% नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी मालूम रहना चाहिए हम लोग को, इसलिए बता रहा हूं। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T माइनस टैक्स रेट। आपको ये करना रहेगा उस टाइम पे, फाइनेंशियल लिवरेज इस तरीके से निकालना रहेगा। ऑलराइट, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आ सकता है, लेकिन आया तो हमको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये लेवरेज टॉपिक एंड हो रहा है। ओके, सो अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोज, और आप बताते जाइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कौन से टाइप के वीडियोज आप और इस टाइप के देखना चाहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।